वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट हियर आई एम डिस्कसिंग ट्वेंटी क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्ट फायरिंग एंड माइनिंग वेंटिलेशन इसमें आपको जो भी आंसर्स आता है आप उसमें टिक करें अपने आप को जज करें कि हमें कितना मालूम है ठीक है क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड किया हुआ है सब स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है एग्जाम परपज़ के लिए ठीक है सो so, <laughs> किसी प्रकार का मन में कोई ये ना हो और बाकी आराम से आप इसको क्लिक करें जितना आंसर आ रहा है आपको खुद से कमेंट करें ठीक है यदि नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका आंसर दिया रहेगा वीडियो प्ले करते हुए आप इसको देख सकते हैं और आपको आप साथ ही साथ इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं ठीक है आप इसको एनालाइज कर सकते हैं इसलिए हम इस, इसमें आंसर में किसी प्रकार का हाईलाइटेड नहीं किए हैं ठीक है चलिए देखते हैं पहला जनरली फ्लो ऑफ एयर इन माइंस इज माइंस में जो एयर फ्लो होता है वो नेचर का होता है लेमिनार फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है स्मूथ या सर्कुलर क्योंकि लेमिनार में क्या होता है कि हर एक लाइन हमारा पैरेलल जाता है ठीक है टर्बुलेंट में जिग जैक मोशन होता है ठीक है मतलब जिग जैक मोशन में इधर उधर हमारा <coughs> मॉलिक्यूल्स मूव करता है ठीक है और स्मूथ तो आपको मालूम ही है सर्कुलर तो पता ही होगा ठीक है तो आपको जो भी लगे कि जनरली एयर फ्लो माइंस में जिस प्रकार का एयर फ्लो होगा कि लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा तो आप उसमें क्लिक करें ठीक है यदि आपको नहीं आता है तो कोई चिंता की विषय नहीं है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ उसमें आंसर आपको अवेलेबल है ठीक है काफ़ी आसान है काफ़ी हैंडली लर्निंग है ठीक है आपको आरामदायक इसमें आप क्लिक कर सकते हैं आंसर ठीक है यदि नहीं आ रहा है तो कोई दुखद बात नहीं है ठीक है ब्लैक डैम्प इज़ ए मिक्सचर ऑफ ब्लैक डैम्प जो है किस प्रकार का मिक्सचर है तो चूँकि अब हम वेंटिलेशन का भी वीडियो या लेक्चर डालना शुरू कर देंगे ठीक है तो इसमें कोई परेशानी का विषय नहीं है ठीक है किसी प्रकार का यदि आपको कंसेप्ट नहीं है गैस टेस्टिंग के बारे में ठीक है तो इससे रिलेटेड जो वीडियो डाला जाएगा उसको आप पहले वॉच करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में उसको दे देंगे लिंक ठीक है लेकिन पहले ये सब जनरल क्वेश्चन हैं उसको आप देख लें ज़्यादा टफ इसमें नहीं है तो ब्लैक डैम क्या है मिक्सचर किसका होता है ब्लैक डैम हम जो कि जानते हैं कि एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है ठीक है तो इसको थोड़ा हिंट के तौर पे बता दिए क्योंकि इससे इससे पहले हम इसका वीडियो नहीं डाले हैं ठीक है थीके? तो आप इसको जो भी लगे इसका आंसर कर सकते हैं फिर बोला व्हेन वैन वर्किंग अप्रोच्ड क्वेश्चन नंबर थ्री बोला वैन वर्किंग अप्रोच्ड टू वाटर लॉकड एरियाज यूज एज प्रीकॉशनरी मेजर इज आप इसको खुद से टिक करें जो आपको आ, आ, लगे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि द हॉपकालाइट लाइट यूज इन कॉपर सीओ डिटेक्टर इज ए मिक्सचर ऑफ मैगनीज ऑक्साइड एंड दूसरा जो भी होगा आप उसका आंसर करें ठीक है फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि सेल्फ रेस्क्यूअर कैन बी यूज अप टू हाउ मच परसेंट ऑफ सीओ तो सेल्फ रेस्क्यूअर जो हम लोग यूज़ करते हैं तो कितना परसेंट जो है खूनी गैस वातावरण में उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका आंसर आप खुद से करें क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सी एम आर परसेंटेज इन रिटर्न ईयर वे शुड नॉट एक्सीड मतलब कि मिथन हमारा मिथन का परसेंटेज कितना से अधिक नहीं होगा रिटर्न एयरवे में तो आपको मालूम है तो आप उसको क्लिक करें अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर है आप वहां से मैच करें ठीक है द वेट बॉल टेम्परेचर इन डेवलपमेंट फेसेज शुड नॉट एक्सीड तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि वेट बॉल टेम्परेचर किसी भी जगह पर थर्टी पॉइंट फाइव थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए यदि थर्टी पॉइंट फाइव डिग्री से अधिक थर्टी पॉइंट फाइव से अधिक हो रहा है डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहा है एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पर वन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हवा हमको फेस तक जाना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दूसरा है ट्विस्ट किया हुआ है ठीक है यहाँ बोल रहा था वेट वॉल टेम्परेचर एंड डेवलपमेंट फेसेज शुड नॉट एक्सीड या डेवलपमेंट फेज का बात कर रहा है ठीक है तो आप इसमें इसको सोच समझ कर ही आंसर दें क्वेश्चन नंबर एट बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ए डस्ट दैट गवर्नस इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इज तो हमारा डस्ट में जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हमारा डस्ट का मेजर करते हैं वो किस पर बेस्ड होता है कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट इन एयर शेप ऑफ डस्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर या साइज ऑफ़ डस्ट जो भी लगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन रहा है इन ए माइन अ बिग रूप फॉल हैज टेकन प्लेस इन द मैन इन टेक एयर वे द फैन ड्रिप्स वाटर गॉज ठीक है बोल रहा है कि यदि हमारा बिग रूप फॉल होता है तो उस केस में हमारा क्या होता है माइन इन टेक एयर वे में तो है विल रिमेन अनएफेक्टेड विल इंक्रीज ठीक है वाटर गॉज क्या होता है कि बढ़ता है? वही रहता है कि बढ़ता है कि घटता है और पॉइंट डी बोरा विल इंक्रीज टेम्परेरली ओनली वैन फॉल टेक्स प्लेस ठीक है जो भी अप्रोप्रिएट है क्लिक द आंसर स्टोन डस्ट बेरियर आर इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड स्टोन डस्ट बेरियर जो हम लोग अंडरग्राउंड में इंस्टॉल करते हैं ठीक है लॉन्ग वॉल में हो या बॉर्डन पिलर में हो ठीक है इसमें स्टॉन डस्ट बेरियर का टाइप भी होता है लाइट टाइप बेरियर और हैवी टाइप बेरियर एक इमीडिएट इंटरमीडिएट टाइप बेरियर उतना ज़्यादा एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाता है लेकिन लाइट बेरियर और हैवी बेरियर के बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है ठीक है इसे क्वेश्चन आता ही है और इसका वीडियो हम बहुत सा बना चुके हैं ठीक है यदि नहीं मालूम है तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में दे, दे देंगे आप उसमें लर्न करेंगे ठीक है टू प्रिवेंट द पॉइंट ए बोरा टू प्रिवेंट द इनिशिएशन ऑफ कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन बी बोरा टू प्रिवेंट द इनिशिएशन ऑफ फायर डस्ट डंप एक्सप्लोजन टू एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ स्टॉन डस्ट टू गिव डस्ट ड्यूरिंग माइंड फायर यहाँ तक वेंटिलेशन <coughs> का सवाल था अब यहाँ पे शॉर्ट फायरिंग स्टार्ट है शॉर्ट <coughs> फायरिंग का चूँकि हम पहले से तीन लेक्चर डाल चुके हैं ठीक है ये चौथा होने वाला है क्वेश्चन नंबर एलेवन टू ट्वेंटी पहला बोल रहा है कि द मिक्सचर ऑफ लेड स्टैफनिट लेड ऑक्साइड एंड एलमियम पाउडर इज नॉन एज ठीक है तो लेड लेड ऑक्साइड लेटैफनेट और अलमोनियम पाउडर जो है कि पहले इसमें हम प्रीवियस वीडियो में हम थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किए थे तो उसको करेक्शन के लिए हम इस ये क्वेश्चन को लाए हैं आपके सामने तो आप इसमें से चूँकि इसका आंसर हम पहले बता दे रहे हैं ठीक है तो लेड स्टैफनेट लेड ऑक्साइड और एलमोनीम पाउडर का जो कंपोजिशनल मिक्सचर होता है ठीक है जो कंपोजिशनल मिक्सचर को हम लोग ए एस ए कहते हैं ठीक है लेड ऑक्साइड लेड स्टैफिट एंड एलमोनियम पाउडर का जो मिक्सर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए एस ए ठीक है ASA, बाकी तो पी ई टी एन को हम डिस्कस किए ही थे पॉली इथाइल टेट्राइ पॉली एरीथ्रीटोल टेट्रानाइट्रेट ठीक है बेस चार्ज और नन तो इसमें आंसर क्या होगा पॉइंट ए होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ठीक है इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है बोल रहा है कि पैरल होल्स आर एट राइट एंगल्स टू द फेस विद सम होल्स अनचार्ज आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग शॉर्ट होल पैटर्न तो पैरेलल होल्स हम लोग ड्रि ड्रिवेन करते हैं राइट right एंगल्स में फेस में और बोला है कि उसमें से कुछ चार्ज कुछ होल को हम लोग अनचार्ज रखते हैं ठीक है तो उस तरह का शॉर्ट होल पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं ड्रैग ड्रैग कट वेज कट पिरामिड कट या बर्न कट जो भी अप्रोप्रिएट है आंसर क्लिक करें चूँकि इसका हम भी डिस्क्रिप्सन दिए हुए हैं उसमें आप जाकर देखेंगे ठीक है बो रहा है कि द पैटर्न ऑफ शॉर्ट होल्ड ड्रिल्ड फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग इन कोल इज तो हम लोग जो है कि कोल में कोल सॉलिड ब्लास्टिंग में जो पैटर्न हम लोग ड्रिल करते हैं ठीक है तो वो किस वो किस तरह से ज़्यादा यूज होता है तो कौन सा मोस्ट यूजेबल पैटर्न है तो रिंग पैटर्न वेज कट बर्न कट या कोरोमेंट कट जो भी लगे आंसर आपको सही उसको में जाए ठीक है <coughs> या नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्स में जाएँ ठीक है क्रॉस लिंकिंग एजेंट फॉर ए टाइपिकल स्लरी एक्सप्लोजिव इज तो टाइपिकल स्लरी एक्सप्लोजिव में हमारा क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो है किसे हम लोग यूज़ करते हैं तो स्लरी एक्सप्लोजिव में क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में जो भी है अप्रोप्रिएट या तो कैल्शियम नाइट्रेट पोटेशियम डाइक्रोमेट टी एन टी ट्राइनाइट्रोटॉलिन या स्टार्च क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बोल रहा है कि बर्निंग एलिमेंट सच एज इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कैन बी इनिशिएटेड बाय तो बर्निंग एलिमेंट जो भी हमारा है ठीक है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में जो रहता है उसको किससे हम लोग जलाते हैं ठीक है एक्सप्लोड है? करते हैं किससे एक्सप्लोड करते हैं तो चूँकि नाम ही से मालूम चल रहा होगा आपको इनिशिएट किसे करते हैं टर्म अलग है वही इनिश एक्सप्लोड करने के जैसा ही आता है वर्ड हमारा प्रोनाउ प्रोनाउंसड होता है ठीक है तो जो भी आपको लगे कि इसमें आंसर हो सकता है आप उसमें जाएँ ठीक है सॉकेट इन ए ब्लास्टिंग इज रिलेटेड टू ठीक है तो सॉकेट जो है ब्लास्टिंग एक केस में रिलेटेड होता है मीस फायर होल सेफ्टी फ्यूज से पार्ट ऑफ होल रिमेनिंग आफ्टर बींग ब्लास्टेड डिटोनेटर या नन ऑफ द एबव जो भी टर्म से रिलेटेड है सॉकेट उसमें आप जाएँ ठीक है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजन डाल सकता है ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बोरा यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेड फ्यूल ऑयल इन ए माइंड सेल बी स्पेसिफाइड बाई तो ए एन एफ ओ जो है हमारे रेगुलेशन के हिसाब से हमको स्पेसिफाइड किया गया है तो इनमें से कौन सा ऑफिशियल जो है उन ये इनको आ, यूज़ करने के लिए स्पेसिफाई करते हैं <coughs> कोलियरी मैनेजर एरिया मैनेजर सब एरिया मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर या नन ऑफ द अबाव जो भी अप्रोप्रिएट है आंसर पे जाएं क्वेश्चन नंबर एटीन बोल रहा है प्लेस वेयर एक्सप्लोजिवस आर कैप्टन एंड ग्राउंड माइंस अ प्ले इस वेर एक्सप्लोजिव आर कैप्टिन अंडरग्राउंड माइन नॉन एज मैगजीन रिजर्व स्टेशन वर्कशॉप या हॉलेज रूम तो मैगजीन चूंकि सरफेस में रहता है रिजर्व स्टेशन अंडरग्राउंड में रहता है तो so, इसका आंसर तो आपको मालूम ही चल रहा होगा लेकिन फिर भी एज ए जनरल एक क्वेश्चन रखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो दोनों में कन्फ्यूज़न होता है रिजर्व स्टेशन और मैगज़ीन में ठीक है फिर भी आप इसको आंसर क्लिक करें पॉप शूटिंग और प्लास्टर शूटिंग इज़ ए टाइप ऑफ चूँकि हम लोग सेकेंडरी ब्लास्टिंग पे जाते हैं तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग्स हमारा तीन टाइप का होता है प्लास्टर शूटिंग प्लास्टर शूटिंग पॉप शूटिंग और स्नैक होलिंग ठीक है पॉप शूटिंग को ही प्लास्टर शूटिंग बोलते हैं स्नैक होलिंग हो गया ठीक है तो इस तरह से जो भी हमको लगे इसमें से क्या है वो तो चूँकि हम एक्सप्लानीशन में बता चुके हैं कि ये सेकेंडरी ब्लास्टिंग है तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग ही आंसर होगा पॉइंट बी और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आई इन केस ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस मिक्स ऑफ एन एक्सप्लोजिव द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑन डिटोनेशन इज तो एनर्जी रिलीज होता है हमारा यदि ऑक्सीजन बैलेंस मिक्स यदि है किसी एक्सप्लोजिव का इन केस ऑफ एन ऑक्सीजन बैलेंस मिक्स ऑफ एन एक्सप्लोजिव द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑन डिटोनेशन इज एवरेज होगा कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा कि कुछ नहीं होगा ऑप्शन में जो भी ऑप्शन लगे अप्रोप्रिएट उसमें जाएं और बने रहें माइनिंग सपोर्ट के साथ क्योंकि आने वाला वीडियो वेंटिलेशन <coughs> से और शॉर्ट फायरिंग से भी रहेगा ठीक है इसलिए और इसमें से रिलेटेड जो भी वीडियोस हम पहले डाल चुके हैं हो सकता है कि आपको प्लेलिस्ट में खोजने में परेशानी हो उसको ध्यान में रखते हुए आ, हम डिस्क्रिप्स में दे देंगे लिंक उस पर जाके आप उसको पहले वॉच करेंगे फिर आफ्टर टेस्ट लगाएंगे इसमें आप अपने परफॉर्मेंस को चेक करेंगे ठीक है तो ये काफ़ी हैंडली अप्रोच है आपको माइनिंग uh, फील्ड का जानकारी पहुंचाने के लिए आप तक में ठीक है और यदि आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें क्योंकि ये हो सकता है कि किसी फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज पहुंचा सके ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टे कनेक्टेड विद माइनिंग सपोर्ट कीप वाचिंग कीप